चटपटा या जंक फूड खाना किसको पसंद नहीं होता। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को खाने के बाद भी हेल्दी रहते हैं, लेकिन वहीं कई सारे ऐसे लोग हैं जो ज़रा सा भी बाहर का क्यों ना खा ले उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज़ मी कृतिका। आप किस तरीके से भोजन को पचा पा रही हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब आपके दांतों पर निर्भर करता है। जी हाँ, हमारे दांतों का काम सिर्फ इतना भर नहीं है कि उसने बस खाने को चबाया, बल्कि किस तरीके से वो चबाए हुए खाने को हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। हमारी बॉडी के लिए दांत एक चेक पोस्ट की तरह काम करता है। वो ये देखता है कि क्या हमारी बॉडी में जा रहा है और क्या नहीं। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि अपने खाने को सही तरीके से चबा कर खाओ, तभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। पर अपनी बिजी लाइफ में हमारा खाना खाना ही मोहाल सा हो गया है, तो सही से चबा कर खाना तो बहुत ही दूर की बात है। इसी जल्दबाजी के चलते हम अपने खाने को सही तरीके से चबा कर नहीं खाते हैं और हम अपने खाने को ठीक ढंग से भी नहीं पचा पाते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपके दांतों की बनावट भी अलग अलग होती है, क्योंकि हर दांत का अलग अलग काम होता है। आपके मुंह के सामने वाले दांतों का काम होता है खाने को काटना, और साइड वाले दांतों का काम होता है खाने को सही तरीके से चबाने में मदद करना। अगर यही सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो पाचन क्रिया है वो भी उलट पुलट हो सकती है। ज़्यादातर आपके दांतों में दर्द, टेढ़ा मेढ़ापन, इन्फेक्शन, मसूड़ों की बीमारी, दांतों को ठीक से ब्रश या फ्लॉक्स न करना, सभी खाने को सही तरीके से चबाने में मदद नहीं करते हैं, और इसलिए आपका खाना सही से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है। जब खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता तब उस खाने के विटामिन्स भी आपकी बॉडी में नहीं लग पाते हैं। दांतों को स्वस्थ रखने और मसूड़ों की बीमारी को रोकने के लिए ठीक तरीके से ब्रश करें, फ्लॉस करें, सही खाना खाएं और कम से कम 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं। इसके अलावा आप माउथ वॉश, बिना फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट, कम शुगर का इंटेक, अच्छा ब्रश और आखिर में टोबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करके अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप जुड़ रही हमारे साथ। नमस्कार।